हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल द गेट। माय नेम इज प्रांजलि और हम कर रहे थे अपना चैप्टर नंबर 7, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। हमने इसके काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स कंप्लीट कर दिए थे, कुछ लास्ट के न्यूमेरिकल्स बचे थे। उससे उन तक बढ़ने से पहले हम डिस्कस कर लेते हैं अभी तक हमने कवर अप कितना किया था। एक बार पूरा सम अप कर लेते हैं कितना कवर अप किया था ताकि याद करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमने देखा था वो देखा था, अगर हमारी एक स्ट्रेट वायर है, स्ट्रेट वायर आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी है और उस वायर पे आई एम्पेयर ऑफ करंट फ्लो कर रहा है, तो एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के लिए पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होती? तो बी इज इक्वल्स टू परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस इन टू टू टाइम्स दैट करंट, जितना करंट उस पर्टिकुलर वायर में फ्लो रहा है, अपॉन 4πr। आर क्या है? जितना डिस्टेंस तक उस वायर का मैग्नेटिक फील्ड पूछा गया है। अब जो ये है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ये क्या है? हमारे कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 4π × 10⁻⁷। ठीक है, ये है। अब मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या पढ़ी थी हमने? वो होती है हमारी टेस्ला। क्या पढ़ी थी? टेस्ला। ये तो था एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के लिए। अब इसकी बात आती है कि डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि बी क्या है? हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ इसमें डायरेक्शन भी होगा। अब डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो वो करते हैं हम राइट हैंड थंब रूल की मदद से। जिस साइड करंट की डायरेक्शन है उस साइड हम अपना थंब प्लेस करेंगे और फिंगर्स को स्ट्रेच करके जिस जिधर पॉइंट होगा जहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए उस डायरेक्शन में फिंगर क्या कर देंगे? पॉइंट कर देंगे। अब जो हमारा पाम है जिस डायरेक्शन के साथ 90 डिग्री बनाएगा वो क्या होगी? हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो ये क्या हो जाएगा? मेरा इनवर्ड। ठीक है, यहाँ हो गया मेरा इनवर्ड। ये तो था स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के। अगर हम पे एक सर्कुलर लूप है जिसमें n नंबर ऑफ टर्न्स है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितनी n है, तो इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर हम निकालते हैं परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस इनटू n i अपॉन 2r। यहाँ पे जो r है वो है कितना डिस्टेंस पे हमें वो पॉइंट पी जहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना। यहाँ पे जो r है वो है रेडियस ऑफ दिस पर्टिकुलर सर्कल जहाँ क्या है n नंबर ऑफ टोटल टर्न्स है। ये क्या है? टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। अगर हम 500 टर्न्स की बात कर रहे हैं तो ये टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है, पूरे सर्कमफेरेंस में कितनी टर्न्स होंगी, दैट इज n। ठीक है, ये हमने सेंटर पे निकाल दिया। अब आती है बात कि हम इसकी डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो डायरेक्शन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? राइट हैंड की मदद से। जिस डायरेक्शन में हमारा करंट फ्लो रहा, लेट सपोज करंट ऐसे फ्लो रहा, तो उसका टेंजेंट क्या होगा? ये हो जाएगा। उस साइड हम अपनी थंब प्लेस कर देंगे और जिधर पॉइंट है दैट इज सेंटर, उस साइड हम क्या करेंगे? अपनी फिंगर्स प्लेस करेंगे। अब फिंगर्स को कर्ल करेंगे तो कर्लिंग डायरेक्शन क्या हो जाएगी? हमारी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज आउटवर्ड। ठीक है, ये हो गया। अब हम सोलेनॉइड की बात करते हैं। तो मैंने ले लिया एक सोलेनॉइड है जिसमें टोटल नंबर ऑफ टर्न्स क्या है, एन है। तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो वो करते हैं परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस एन आई, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस इनटू एन। अब यहाँ पे जो एन है, जो यहाँ पे एन है, ये एन क्या है? टोटल नंबर ऑफ टर्न्स उस सर्कुलर कॉइल में कितनी है, और जो यहाँ पे एन है वो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स नहीं है, ये है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। कि एक यूनिट लेंथ में कितनी नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो हम क्या करते हैं? कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा था कि हम रेडियस ऑफ सर्कुलर कॉइल कैसे निकालते हैं, रेडियस ऑफ सर्कुलर ट्रैक कॉइल कैसे निकालते हैं। तो मैंने बोला कि अगर एक मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैंने मैग्नेटिक फील्ड ले ली, डाउनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, इस मैग्नेटिक फील्ड में मैंने क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज फेंका, क्या करा इसमें एक क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज फेंका, तो हम नोटिस करते हैं ये क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज क्या करने लग जाता है? एक सर्कुलर ट्रैक फॉलो करने लग जाता है। क्या करने लग जाता है? एक सर्कुलर ट्रैक फॉलो करने लग जाता है। यहाँ से हमें पता चलता है कि उस पर क्या लग रहा होगा? एक इनवर्ड फोर्स लग रहा होगा, एक इस साइड फोर्स लग रहा होगा, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होगा अंदर को, ताकि वो एक सर्कुलर ट्रैक फॉलो करने में उसकी क्या करता है? मदद करता है। अब हमने ये चार्ज पार्टिकल यहाँ पे फेंका तो उस पर फोर्स बेसिकली लगता कितना है? मैग्नेटिक फोर्स। तो वो लगता है हमारा क्यू वी वी साइन थीटा, क्यू वी वी साइन थीटा। क्यू क्या है? उस चार्ज पार्टिकल में कितना चार्ज है, वी कितनी वेलोसिटी से उसको फेंका गया, वी मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना, थीटा, थीटा क्या होता है? वी और बी के बीच के एंगल की किस डायरेक्शन में वी के उसमें फेंका गया। अब मैं बात करूँ कि मैंने परपेंडिकुलरली टू द फील्ड फेंका, तो साइन क्या आ जाएगा यहाँ पे? साइन 90 डिग्री, दैट इज वन। ठीक है, वो क्या हो जाएगा? फोर्स मैक्सिमम हो जाएगा जब मैंने उसके परपेंडिकुलरली फेंका। अगर मैं पैरेलल फेंकूँ,
मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल फेंकूं तो अब क्या हो जाएगा, साइन जीरो, दैट इज ये पूरा फोर्स कितना लगेगा, जीरो, कोई फोर्स उसमें एक्ट नहीं करेगा। अब रेडियस की हम बात करते हैं तो जब इस चार्ज ने एक सर्कुलर ट्रैक फॉलो किया आर, तो इसमें आर की वैल्यू क्या आएगी, तो आर की वैल्यू यहाँ पे आती है, हम मैंने क्या बोला, जब इसने सर्कुलर ट्रैक फॉलो किया तो इस पर सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा, और सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू होती है हमारी एम वी स्क्वायर बाय आर, और वो किसके इक्वल होगा, दैट इज क्यू वी बी के इक्वल होगा, क्यू वी बी के इक्वल होगा, मैग्नेटिक फोर्स के इक्वल क्या होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पे होगा। ठीक है, अब वी से वी कैंसिल हो तो यहाँ पे हो जाएगा आर इज इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू बी, रेडियस ऑफ सर्कुलर ट्रैक क्या आ गया, एम वी अपॉन क्यू बी, एम वी अपॉन क्यू बी आ गया। अब मैंने बोला, मैंने वो चार्ज पार्टिकल जब इसमें फेंका होगा तो वो कुछ वेलोसिटी से फेंका, तो उसकी कोई काइनेटिक एनर्जी भी होगी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमने पढ़ा था होता है 1/2 एम वी स्क्वायर। उस चार्ज पार्टिकल का मास एम है, वी वेलोसिटी है उसकी, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 1/2 एम वी स्क्वायर। यहाँ से हम वी कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा 2k अपॉन एम, और ये होल क्या है, अंडर रूट के अंदर। वी की वैल्यू यहाँ पे पुट अप कर सकते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, आर इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगा। ठीक है, ये अब मुझे ये बोला कि वो चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट कर गया, क्या कर दिया, एक्सेलरेट कर गया वी पोटेंशियल के साथ, क्या कर गया, एक्सेलरेट कर गया वी पोटेंशियल के साथ, तब उसकी काइनेटिक एनर्जी हमारी हो जाती है क्यू टाइम्स दैट पोटेंशियल, उसमें कितना चार्ज है उसका इंटू पोटेंशियल, कितने पोटेंशियल से वो एक्सेलरेट कर गया। ठीक है, ये पढ़ा था। इसके बाद हमने पढ़ा था कि ये पूरा सर्कुलर ट्रैक फॉलो करने में उसको टाइम कितना लगेगा, तो टाइम कितना लगेगा, दैट इज टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितनी है, सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, दैट इज 2πr, स्पीड कितनी है, वी वेलोसिटी से। आर की वैल्यू यहाँ पुट अप कर देंगे तो हमें एक नई इक्वेशन मिल जाएगी टी के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अब टाइम पीरियड हमने पढ़ लिया, टाइम पीरियड क्या होता है, 1/2 फ्रिक्वेंसी भी होता है, तो अगर हमें टाइम पीरियड पता है तो हम किसी भी पर्टिकुलर की फ्रिक्वेंसी भी निकाल सकते हैं, ये पढ़ा था। इसके बाद हमने पढ़ा था, अभी तो हमने एक चार्ज पार्टिकल फेंका, अगर हम एक स्ट्रेट लाइन की बात करें, एक कंडक्टर की बात करें जिसकी लेंथ L है, अब वो एक मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आया तो इस पर कितना चार्ज लगा होगा, क्या बोला मैंने, अभी तो चार्ज पार्टिकल पे था, अब एक लेंथ है वायर की L, अब वो मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आया तो उस पर कितना फोर्स लगा होगा, तो उस पर फोर्स लगता है हमारा आई बी एल साइन थीटा। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन बी एंड एल, एंगल बिटवीन बी एंड एल। ठीक है, ये पढ़ा था हमने। अब लास्ट टॉपिक जो हमने इस पे पढ़ा था वो था कि अगर दो में पे करंट कैरिंग वायर्स हैं और जिन दोनों में बीच का डिस्टेंस है डी ले लिया, और दोनों में आई अमाउंट आई वन और आई टू अमाउंट ऑफ करंट फ्लो रहा, लेकिन सेम डायरेक्शन में फ्लो रहा, तो इसमें एक याद करने वाली बात ये होती है, अगर सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो रहा तो उन दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा वो हमारा अट्रैक्टिव फोर्स होगा, क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्स होगा। अब अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा कैसे, तो देखिए अब ये वाली वायर है, इसको अगर मैं निगलेक्ट कर लूँ, ये वाली वायर है, तो इस वायर के कारण डी डिस्टेंस पे, लेट सपोज ये डी डिस्टेंस यहाँ पे इस पॉइंट पी पे, इस वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना लगेगा, तो दैट इज बी टू, इस वायर के कारण यहाँ पे, तो बी टू कितना होगा, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस इन टू टू आई वन आई टू अपॉन 4πd। ये क्या है, बी टू वायर के कारण इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड, अब इस मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आके आई वन वायर पे क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, अपने मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आके नहीं लगता है, इसके मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आके उस पर क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा, दैट इज एफ, तो वो फोर्स कितना होगा हमारा आई बी, अब किसके मैग्नेटिक फील्ड के कारण, इसके मैग्नेटिक फील्ड के कारण, दैट इज आई वन अपने करंट कैरिंग वायर पे आई वन इन टू बी टू आई बी एल, लेंथ ऑफ द वायर तो दोनों की सेम है, अगर मैं एल ले लिया आई बी एल साइन थीटा। ठीक है, बी टू की वैल्यू यहाँ पुट अप करेंगे तो हमें फोर्स की इक्वेशन मिल जाएगी कि इस पर कितना फोर्स लग रहा है, अब ये तो टोटल लेंथ ऑफ द वायर पे फोर्स था, अब हमें कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ तो एल यहाँ चल जाएगा, तो हमें इक्वेशन क्या मिल जाएगी आई वन बी टू साइन थीटा, फोर्स पर यूनिट लेंथ पूछा जाता है, या कभी कभी पूछा जाता है कि फोर्स इतने लेंथ सेंटीमीटर पे कितना लगा, दैट इज अगर पूरी वायर की लेंथ एल है तो 10 सेंटीमीटर वायर पे कितना फोर्स लगा, वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, एल की वैल्यू 10 रख दी,
हम ऐसे क्या कर सकते हैं, ये कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद बी टू पे, अगर इस पॉइंट की बात करी जाए इस वाले वायर से, इस पॉइंट डी, तो इस पॉइंट पे अगर ये पॉइंट क्यू है मेरा, तो इस वायर के कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी लगेगी, तो दैट इज बी वन इज इक्वल्स टू परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस इंटू टू आई वन अपॉन फोर पाई डी। कितनी लगेगी इस वायर के कारण इस पॉइंट पे, कितनी, इतनी मैग्नेटिक फील्ड। तो उस मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आके इसमें भी कुछ पर्टिकुलर फोर्स लग रहा होगा, तो वो फोर्स कितना लगेगा, दैट इज एफ इज इक्वल्स टू आई टू बी वन एल साइन थीटा। यहाँ पे भी हम फोर्स पर यूनिट लेंथ निकाल सकते हैं, ऐसे फोर्स कितने डिस्टेंस पे वो भी निकाल सकते हैं, ठीक है, ये हम निकाल सकते हैं। अगर मैं क्या कर दूँ, करंट का साइन रिवर्स कर दूँ, एक का ऑपोजिट हो गया, एक का नीचे, अभी भी फोर्स इतना ही लग रहा है, उस पर भी फोर्स इतना ही लग रहा है, लेकिन क्या हो जाएगा, डायरेक्शन में चेंजेस आ जाएंगे। अभी फोर्स की डायरेक्शन क्या है, वो दोनों क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, उस समय क्या हो जाएगा, वो रिपेल करने लग जाएंगे। और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, उस समय जब दोनों करंट कैरिंग वायर्स पे सेम डायरेक्शन में था, तो एक इनवर्ड हो जाएगा और एक दूसरा क्या हो जाएगा, आउटवर्ड हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। ये हम कैसे निकाल सकते हैं, ये हम निकाल सकते हैं राइट हैंड थंब रूल की मदद से, ठीक है, ये हमने देख लिया। ये हम कैसे निकाल सकते हैं, तो ये निकाल सकते हैं हम लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल की मदद से, जो हमने सीखा था कि करंट कैरिंग, अगर मेरी वायर है, फोर्स है क्यू वी बी साइन थीटा, तो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, हम निकाल सकते थे उसमें। तो हमने कैसे निकाला था, ये वाली जो फिंगर होती है हमारी मिडिल फिंगर, ये हमारी करंट की डायरेक्शन, दैट इज वेलोसिटी की डायरेक्शन को पॉइंट आउट करती, ये वाली फिंगर हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को पॉइंट आउट करती, और ये वाली फिंगर हमारी मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को पॉइंट आउट करती। बेसिकली हम तीनों क्या लेते हैं, तीनों अलग अलग एक्सिस में लेते हैं, दैट इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर लेते हैं, लेकिन अगर ये तीनों परपेंडिकुलर टू ईच अदर नहीं हुए, दैट इज से अलग अलग एक्सिस में नहीं हुए, तब हम क्या लेते हैं, v जो वेक्टर होता है, दैट इज ये वाला वेक्टर जो होता है, वो दो कॉम्पोनेंट्स में टूट जाएगा, v साइन थीटा v कॉस थीटा। इसका मतलब है कि जब हमने पार्टिकल फेंका, वो वाला पार्टिकल हमारे मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर नहीं गया, वो पार्टिकल कोई थीटा डिग्री एंगल बना गया, और इसीलिए हम क्या करते हैं, v को दो कॉम्पोनेंट्स में तोड़ेंगे, v साइन थीटा v कॉस थीटा, तब हमारी इक्वेशंस क्या फॉर्म हो जाएंगे, ठीक है, हमने ये पढ़ा था। तो स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज, इनसे रिलेटेड क्या क्या होगा हमारा, ठीक है। तो अपने कॉन्सेप्ट तो डिस्कस कर लिए, अब हम क्या करेंगे, हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे, जो बाकी के इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स बचे हुए हैं इस वीडियो में हम कंप्लीट कर देंगे आज, ठीक है। तो पहला जो हमारा न्यूमेरिकल आता है इस वीडियो के लिए, वो है टू पैरेलल रेज जो डिस्टेंस है 2×10⁻²⁻ मीटर से सेपरेटेड है और नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में क्या है, प्लेस किए गए हैं। तो नॉर्थ डायरेक्शन ये हो जाता है हमारा, साउथ ये आता है, वेस्ट वो आ जाएगा और ईस्ट ये आ जाएगा। क्या होता है हमारा डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट, यही होता है। तो बोला गया दो पैरेलल रेज हैं जो ऐसे प्लेस हुई हैं नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, उनके बीच में एक मेटल का सिलेंडर रखा गया है जिसका वेट है 4×10⁻²⁰ kg। कितना वेट है, 4×10⁻²⁰ kg है, और उस रेल के बीच का डिस्टेंस है हमारा 2×10⁻²⁰ m। यही बोला गया, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, यही बोला गया। और क्या बोला गया, जो ईस्टर्न साइड वाला जो रेल है वो एक बैटरी से कनेक्टेड है, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्टेड है। तो ईस्टर्न साइड वाला रेल ये होगा, वो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्टेड है, जो 3 एम्पेयर ऑफ करंट प्रोवाइड कर रहा है इस मेटल सिलेंडर में, और ये पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है जो डायरेक्टेड अपवर्ड, जो ऊपर की तरफ है मैग्नेटिक फील्ड, जिसकी वैल्यू है 1.2 टेस्ला। अब यहाँ पे डायरेक्शन क्या बोला गया, अपवर्ड्स है, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है कि नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है। तो यहाँ पे जो अपवर्ड यूज हुआ होगा वो हमारा इनवर्ड या आउटवर्ड भी हो सकता है, ठीक है। ये अब हमें पूछा गया है कि मैग्नेटिक फोर्स उस मेटल सिलेंडर में कितना लग रहा है एंड एक्सिलरेशन उस मेटल सिलेंडर में कितना लग रहा है, ये हमसे पूछा गया है। तो मैग्नेटिक फोर्स निकालने का फॉर्मूला मैंने क्या बोला था, इस कॉम्बिनेशन के लिए मैग्नेटिक फोर्स कैसे निकालेंगे, दैट इज फोर्स इज इक्वल्स टू आई बी एल साइन थीटा। क्या बोला था, यही तो बोला था, आई बी एल साइन थीटा। तो यहां से यहाँ की डिस्टेंस हम देख लेते हैं कितनी है हमारी, दैट इज
2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर और करंट कितना फ्लो हो रहा है, 3 एम्पेयर ऑफ करंट फ्लो हो रहा है. डिस्टेंस भी हमें गिवन है, बी भी हमें गिवन है, लेंथ भी हमें गिवन है और साइन थीटा भी हमें क्या है गिवन है. मतलब अगर हम इसको ट्रीट कर लें, मेटल सिलेंडर, ये हमारी लेंथ है, ये क्या है हमारी लेंथ है इस मेटल सिलेंडर की, यही तो है हमारी लेंथ. ऐसे अगर हम इसको प्लेस करें तो उस पर कितना क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है. तो फोर्स कितना लग रहा होगा, इसके अंदर करंट कितना फ्लो हो रहा है, तो करंट यहाँ जा रहा होगा तो कितना करंट जा रहा है, दैट इज 3 एम्पेयर ऑफ करंट. मैग्नेटिक फील्ड उसमें लग रहा है 1.2 टेस्ला. लेंथ है उसकी 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर. और साइन थीटा की बात आती है तो यहाँ पे क्या होगा, साइन 90 डिग्री होगा क्योंकि करंट की डायरेक्शन ये हो गई अपवर्ड्स है, तो हमने बाहर की तरफ ले लिया. लेफ्ट हैंड से हम देख लेते हैं करंट क्या है, करंट की डायरेक्शन क्या है मेरी, इस साइड है. ये वाली फिंगर्स क्या होती है, मेरी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को लेती है अपवर्ड्स से, तो मैंने इस साइड देख ली तो ये क्या हो जाएगा, मेरा मैग्नेटिक फोर्स ऊपर की तरफ हो जाएगा, दैट इज टुवर्ड्स नॉर्थ. क्या हो जाएगा, टुवर्ड्स नॉर्थ. इसको सॉल्व करेंगे तो अपॉन 10, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 12 टू जो 24 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 न्यूटन टुवर्ड्स नॉर्थ. ये क्या हो जाएगा, टुवर्ड्स नॉर्थ. इसको सॉल्व करेंगे हो जाएगा 7.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 न्यूटन, ठीक है, नॉर्थ की तरफ. ये तो हमने निकाल दिया. अब बात आती है एक्सेलरेशन कितना हो, तो एक्सेलरेशन कितना होता है हमारा, दैट इज फोर्स अपॉन मास, क्योंकि फोर्स होता है हमारा मास इंटू एक्सेलरेशन. तो हमारा जो फोर्स अपॉन मास क्या आ जाएगा, हमारा एक्सेलरेशन. तो फोर्स कितना लगा हमारा, दैट इज 7.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 न्यूटन अपॉन मास कितना है, तो मास हमें गिवन है दैट इज 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2. 10 टू द पावर माइनस 2 से 10 टू द पावर माइनस 2 कैंसिल आउट, ये कितना हो जाएगा, पॉइंट रिमूव तो नीचे आ जाएगा 10, दैट इज 72 अपॉन 4 इंटू 10. 4 वन जो 4 और 32, 4 8 जो 32, दैट इज 1.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. कितना आंसर आ गया हमारा, 1.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब बहुत लोगों को कन्फ्यूजन हो जाएगा यहाँ से कि हमने लेंथ ये क्यों नहीं लिया, तो हमें लेंथ गिवन नहीं है. ये लेंथ क्या है, रेल की लेंथ है. ये वाली लेंथ क्या है, रेल की लेंथ है. हमें बोला गया मेटल सिलेंडर और रेल की लेंथ के बीच की डिस्टेंस कितनी, हमारे 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, और बोला गया एक मेटल सिलेंडर जो फिट हो रहा है उसके बीच में, तो हमें इसकी लेंथ नहीं बोलेंगे, क्या पता हो यहाँ तक ही हो, क्या पता क्या है वो यहाँ तक ही हो. तो हमें ये बोला गया, तो हमने ये ट्रीट कर लिया कि ये क्या है, उसकी लेंथ है, ठीक है. तो 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, अब करंट इसके अक्रॉस फ्लो हो रहा है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड में हमें दी गई 1.2 टेस्ला, तो फोर्स कितना लग रहा हो, तो फोर्स कितना लग रहा होगा मेरा, 7.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 न्यूटन, ठीक है. ये था हमारा क्वेश्चन. अब अगला क्वेश्चन कर लेते हैं. तो अगले क्वेश्चन जो हमारा आईएससी 2018 का क्वेश्चन है आपका, बोला गया फाइंड फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन वायर बी. एक फिगर दिया गया है हमें ऐसा, ये क्या है, वायर बी है, ये वायर ए है, इसमें 20 एम्पेयर ऑफ करंट फ्लो हो रहा है, इसमें 75 एम्पेयर ऑफ करंट फ्लो हो रहा है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया गया है दैट इज 1 सेंटीमीटर. अब हमें बोला गया है फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन वायर बी, कि बी में कितना फोर्स लग रहा है ड्यू टू करंट ट्रैवलिंग इन ए, ड्यू टू करंट, जो करंट ट्रैवल कर रहा है ए के कारण उसमें कितना फोर्स लग रहा है. तो जब ए में करंट ट्रैवल कर रहा है तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, दैट इज 1 सेंटीमीटर पे, ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड होगी ए के वायर के कारण, ए वायर के कारण जिसमें 75 एम्पीयर ऑफ करंट फ्लो हो रहा है एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर, यहाँ पे क्या दे रहा होगा वो, उसकी मैग्नेटिक फील्ड होगी जिसके कारण बी पे फोर्स लग रहा होगा. तो मैग्नेटिक फील्ड पहले निकाल लेते हैं, दैट इज बी. ए क्या हो जाएगी, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, दैट इज 4π इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 इंटू 2 इंटू 75, क्या होता है 2i, 2 इंटू 75 अपॉन 4πr, दैट इज 4π. डिस्टेंस कितना है, 1 सेंटीमीटर, इसको लिख सकते हैं 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, 4π से 4π कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा मेरा 150 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 टेस्ला, 150 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 टेस्ला. क्या लग रहा है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे लग रहा है. अब इसके कारण इस बी वायर पे क्या जनरेट हो रही होगा, फोर्स लग रहा होगा. तो फोर्स कितना लग रहा होगा, दैट इज आई बी, बी किसका, इसका आई बी एल साइन थीटा. अब साइन थीटा की बात आती है, दोनों की डायरेक्शन क्या है मेरी, ऑपोजिट है, दोनों की डायरेक्शन क्या है मेरी, सेम है करंट की डायरेक्शन,
तो फोर्स लग रहा होगा अंदर को, क्या कर रहा होगा, अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा होगा, क्या लग रहा होगा मेरे पे, अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा होगा। अब अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है तो अगर हम इसकी मैग्नेटिक फील्ड की डिस्टेंस भी, डायरेक्शन भी फाइंड आउट करें, तो एक की इनवर्ड होगी और एक की आउटवर्ड हो जाएगी मेरी, क्या हो जाएगी, तो क्या आ जाएगा, साइन 90 डिग्री आ जाएगा, तीनों परपेंडिकुलर होंगे एक दूसरे से, दैट इज आई एल बी ए, तीनों क्या होंगे आपस में परपेंडिकुलर होंगे। तो हम आई बी ए और एल निकाल सकते हैं, तो आई कितना है उसका 20 एम्पीयर, बी कितना आया हमारा, दैट इज 150 इंटू 10^-5, और लेंथ, लेंथ क्या है, लेंथ हमें बोला गया है कि पर यूनिट लेंथ निकालना है, तो अपॉन एल कर देंगे, पर यूनिट लेंथ मतलब एक मीटर लेंथ में कितना फोर्स लग रहा, तो इतना फोर्स लग रहा है, दैट इज 2 × 50 = 150 = 300 × 10^-5, तो यहाँ से हमारा आंसर आएगा 3 × 10^-2 N/m, इतना क्या लग रहा है पर यूनिट लेंथ में फोर्स लग रहा है बी वायर में ए वायर के कारण, जिसमें करंट 75 एम्पीयर ऑफ फ्लो हो रहा है। अब इसकी डायरेक्शन की बात करते हैं, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, वर्टिकली डाउनवर्ड, बी वायर के लिए क्या हो गया, मेरी फोर्स की डायरेक्शन दैट इज वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, दैट इज हमारा क्वेश्चन है, ए एंड बी दो वायर्स हैं जिसमें 8 एम्पियर और 5 एम्पियर ऑफ करंट फ्लो हो रहा है, वो भी सेम डायरेक्शन में 4 सेंटीमीटर अपार्ट। मैंने ले लिया ए वायर है और दूसरी वायर है बी वायर, ये क्या है बी वायर, ये है मेरी ए वायर, इसमें फ्लो हो रहा है 8 एम्पियर ऑफ करंट, इसमें फ्लो हो रहा है मेरा 5 एम्पियर ऑफ करंट, डिस्टेंस है 4 सेंटीमीटर, दैट इज 4 × 10^-2 m, सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है करंट, तो हमने सेम दिखा दिया। अब बोला गया फाइंड फोर्स ऑन 10 सेंटीमीटर सेक्शन ऑफ वायर, कि 10 सेंटीमीटर वायर की हमें लेंथ नहीं दी गई है, लेकिन ए वाली जो वायर है उसके 10 सेंटीमीटर सेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है, लेट सपोज 10 सेंटीमीटर का सेक्शन ये है, इसमें मेरा कितना फोर्स लग रहा होगा, तो इस वाली वायर में जो फोर्स लगेगा वो इस वाली वायर के मैग्नेटिक फील्ड के कारण लगेगा, जो इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, तो वहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसी मैग्नेटिक फील्ड के कारण क्या लग रहा होगा, ए पे क्या लग रहा होगा, फोर्स लग रहा होगा, दैट इज मैग्नेटिक फोर्स। तो मैग्नेटिक फील्ड पहले निकाल देते हैं बी वायर के कारण ए पे, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस दैट इज 4π × 10^-7 × 2i, दैट इज 2 × 5 अपॉन 4π, डिस्टेंस कितना है 4 × 10^-2, 4π से 4π कैंसिल आउट, 2 × 2 = 4 हो गया, ये कितना हो गया 5 × 10^-5 / 2 टेस्ला, इतना मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है इस वायर के कारण एट 4 × 10^-2 m के डिस्टेंस। ठीक है, ये तो हमने निकाल दिया। अब हमें बोला गया 10 सेंटीमीटर सेक्शन ऑफ वायर पे कितना फोर्स लग रहा होगा, तो मतलब F अपॉन L इज इक्वल्स टू आई बी, साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन तो 90 डिग्री हो जाएगा, तो फोर्स अपॉन लेंथ इज इक्वल्स टू आई बी, तो कितना हो जाएगा, आई कितना है हमारा 8 एम्पियर, बी कितना आ गया हमारा, दैट इज 5 / 2 × 10^-5, अब पर यूनिट लेंथ है, तो पर यूनिट लेंथ 10 सेंटीमीटर क्या हो गया, यहाँ पे 10 आ जाएगा, दैट इज 10 × 10^-2। ठीक है, ये हो गया हमारा, इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, फोर्स कितना आ जाएगा हमारा, दैट इज 8 × 5/2 × 10^-5, तो हमारा क्या है टोटल फोर्स, ये क्या है हमारा टोटल फोर्स जो पूरी वायर में लग रहा है, वहां पे दिख नहीं रहा है, तो फोर्स कितना आएगा मेरा 8 × 5/2 × 10^-5, अब दिख रहा है ये फोर्स लग रहा होगा हमारी पूरी वायर पे, पर हमें 10 सेंटीमीटर सेक्शन ऑफ वायर पे चाहिए, तो पहले इतना निकाल दे, दैट इज 2 × 4 = 8, 4 × 5 = 20, दैट इज 20 × 10^-5 m फोर्स लग रहा है एल लेंथ ऑफ द वायर पे, तो हमारी 10 × 10^-2 वायर पे कितना लग रहा होगा, तो इसको क्या कर देंगे डिवाइड बाय दिस, डिवाइड कर दिया, तो दैट इज 20 × 10^-5 / 10 × 10^-2, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 × 10^-3 N/m, इतना फोर्स लग रहा है 10 सेंटीमीटर सेक्शन ऑफ वायर ए पे। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन।
अगर हम डायरेक्शन की बात करें, डायरेक्शन क्या हो जाएगा, टुवर्ड्स बी, टुवर्ड्स बी ही तो होगा डायरेक्शन, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन। अब करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज आर क्वेश्चन नंबर 44, ठीक है। अब बोला गया अ लॉन्ग हॉरिजॉन्टली रिजिडली सपोर्टेड वायर कैरीज 100 एम्पियर ऑफ करंट। एक लॉन्ग हॉरिजॉन्टल रिजिडली सपोर्टेड वायर है जिसमें 100 एम्पियर ऑफ करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। मैंने ये ले लिया, वो वायर है 100 एम्पियर ऑफ करंट। बोला गया अबव इट एंड पैरेलल टू इट एक फाइन वायर रखी गई, इसी के ऊपर एक फाइन वायर रखी गई इसी के पैरेलल, जिसमें 200 एम्पियर ऑफ करंट क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। एंड वेज 0.05 न्यूटन पर मीटर, और ये वाली वायर 0.05 न्यूटन पर मीटर वे करती है, दैट इज फोर्स पर यूनिट लेंथ इस वायर पे कितना लग रहा है, इस वायर पे कितना लग रहा है, दैट इज 0.05 न्यूटन पर मीटर, इतना फोर्स लग रहा है इस वायर पर यूनिट लेंथ। आप बोलोगे हाउ फार अबव लोअर वायर, इस नीचे वाली वायर से कितने ऊपर हमें ये वाली वायर प्लेस करनी चाहिए ताकि इस पे क्या हो, ये सपोर्टेड रहे मैग्नेटिक रिपल्शन के कारण। अब मैग्नेटिक रिपल्शन हो रहा है, इसका मतलब है कि दोनों वायर्स में डिफरेंट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, क्योंकि सेम डायरेक्शन में होता है तो मैग्नेटिक अट्रैक्शन होता है, अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, लेकिन रिपल्शन हो रहा है तो मैग्नेटिक रिपल्शन, तो मतलब दोनों में डिफरेंट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा होगा, ये हमें पता चल गया। अब हमें क्या निकालना है, हमें बेसिकली बोला गया कितने डिस्टेंस पे रखा गया होगा, लेट सपोज ये डी डिस्टेंस पे रखा गया होगा, ठीक है। अब हमें फोर्स पर यूनिट लेंथ इसके लिए दे रखा है, तो इसमें फोर्स किसके कारण लग रहा होगा, इसके मैग्नेटिक फील्ड के कारण लग रहा होगा, तो कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा इसका, दैट इज 4π × 10⁻²⁷ i / 4π r, कितना है r, हमें गिवन नहीं है, दैट इज d, 4π से 4π कैंसिल आउट, तो ये इसका मैग्नेटिक फील्ड कितना हो गया, दैट इज 2 × 10⁻⁵ d टेस्ला। ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इस वायर के कारण इस पॉइंट पे लग रहा है, ठीक है, हमने ये मिल गया। अब फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, दैट इज आई बी, साइन थीटा तो हो जाएगा साइन 90 डिग्री, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ की मदद से हम क्या निकाल सकते हैं, डी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमने रख दिया 0.05 इज इक्वल्स टू आई, कितना है, दैट इज 200 एम्पियर ऑफ करंट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा 200 इंटू बी, कितना आ गया, दैट इज 2 × 10⁻²⁵ d, ठीक है, ये आ गया। तो यहाँ से जो डी की वैल्यू होगी मेरी कितनी आ जाएगी, 200 × 2 × 10⁻²⁵ 0.05, दिख रहा है, ठीक है, 0.05, तो पॉइंट रिमूव, ऊपर कितना आ जाएगा हमारा 100, तो ये हो जाएगा 5 × 4 = 20 और 0, तो 4 × 2 = 8, दैट इज 80 × 10⁻³ न्यूटन, 80 × 10⁻³ मीटर, 80 × 10⁻³ मीटर, ठीक है। ये हो गया हमारा ये वाला क्वेश्चन। अगला करेंगे, देख लीजिए किसी को कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट ड्रॉप करिएगा। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, दैट इज अगला क्वेश्चन बोला गया हमारी तीन वायर्स हैं ए बी और सी। पहली तो दो वायर्स हैं, ए वायर थी एक, फिर दूसरी वायर आई बी वायर, जिन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज 20 सेंटीमीटर है, ए वायर में 10 एम्पेयर ऑफ करंट फ्लो कर रहा है और बी वायर में 20 एम्पेयर ऑफ करंट क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। अब हमने क्या किया, बाहर से एक थर्ड वायर प्लेस कर दी इन किसके मिड में, जो जिसकी लेंथ है 15 सेंटीमीटर, हाँ, और जिसमें 10 एम्पेयर ऑफ करंट क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। तो हमें बताना है कि इस पर्टिकुलर वायर सी में कितना फोर्स लग रहा होगा ए वायर के कारण और बी वायर के कारण कितना फोर्स लग रहा होगा। अब अगर हम ए को नेग्लेक्ट कर लें, अभी हम इन दोनों वायर्स पे फोकस करें, तो दोनों पे करंट की डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो क्या कर रहा होगा, अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा होगा। अब इन दोनों को फोकस करें, इसको नेग्लेक्ट करें, तो इसमें क्या लग रहा होगा, अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा होगा। तो मतलब इस सी वायर को एक इस तरफ खींच रहा है,
और एक इस तरफ खींच रहे हैं, मतलब ये इस तरफ भी जाना चाहती है सी वायर और इस तरफ भी जाना चाहती है, तो जिस तरफ ज़्यादा फोर्स लग रहा होगा वो उसी डायरेक्शन में क्या करेगी, मूव करेगी। तो अभी ए के लिए निकाल लेते हैं, तो ए के लिए फोर्स कितना लग रहा होगा सी वायर पे, तो सी वायर पे कितना फोर्स लग रहा होगा, तो आई बी एल साइन थीटा फोर्स, साइन थीटा क्या होगा साइन 90 डिग्री, तो आई कितना हो जाएगा दैट इज 10 एम्पियर, क्योंकि सी में कितना करंट फ्लो हो रहा है 10 एम्पियर ऑफ करंट फ्लो हो रहा है। और यहाँ पे जो बी होगा वो क्या होगा, इस वायर के कारण इस पर मैग्नेटिक फील्ड होगी, उसी मैग्नेटिक फील्ड के कारण इस पर फोर्स लग रहा होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण होगी, ए वायर के कारण होगी, और उसकी वैल्यू कितनी होगी हमारी दैट इज फोर पाई इंटू 10 to the power -7 इंटू 2। अब आई करंट कितना है इस पे 10 into 10 अपॉन 4 pi, और आर कितना हो गया हमारा, आर हो गया हमारा 10 centimeter दैट इज 10 into 10 to the power -2। ठीक है, ये हो गया। अब लेंथ दैट इज 15 centimeter दैट इज 15 into 10 to the power -2, 10 to the power -2 से 10 to the power -2 कैंसिल आउट, 10 से 10 कैंसिल आउट, 4 pi से 4 pi कैंसिल आउट, इतना हो गया। बचा कितना हम पे दैट इज 15 to the 30 into 10 to the power -6 न्यूटन। ये क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है ए के कारण, ए वायर के कारण इस पर्टिकुलर पे। अब फोर्स जो बी के कारण भी तो लग रहा होगा दैट इज आई बी एल, तो आई कितना हो जाएगा 10। अब जो बी होगा जिसके कारण इस पे फोर्स लग रहा है वो इसका मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो वो कितना हो जाएगा दैट इज 4 pi into 10 to the power -7 into 2 into 20 अपॉन 4 pi आर, आर कितना है मेरा 10 centimeter दैट इज 10 into 10 to the power -2, और एल कितना हो जाएगा मेरा 15 into 10 to the power -2, दिख रहा है। ठीक है, 10 to the power -2 से 10 to the power -2 कैंसिल आउट हो गया, 4 pi से 4 pi कैंसिल आउट, 10 से 10 कैंसिल आउट, तो कितना हो जाएगा 15 to the 30 30 to the 60 600 into 10 to the power -7 दैट इज 60 into 10 to the power -6 न्यूटन। ये क्या लग रहा है, बी के कारण फोर्स लग रहा है। ठीक है, हमने ये निकाल दिया, तो फोर्स नेट कितना लग रहा होगा उस पर, एक दूसरे डायरेक्शन में लग रहा है एक किसी और डायरेक्शन में लग रहा है, तो फोर्स नेट कितना लग रहा है, ये वाले फोर्स से ये वाला फोर्स माइनस कर देंगे, तो वी आर लेफ्ट विथ 30 into 10 to the power -6 न्यूटन ऑफ फोर्स, 30 into 10 to the power 6 न्यूटन ऑफ फोर्स। अब बात करते हैं डायरेक्शन की, तो किस डायरेक्शन में लग रहा है, तो इस डायरेक्शन में ज्यादा फोर्स लग रहा है, ये वाले फोर्स की वैल्यू क्या है ज्यादा है, तो क्या हो जाएगा टुवर्ड्स बी, टुवर्ड्स बी इस फोर्स की वैल्यू क्या है मेरी ज्यादा है। एक फोर्स अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है उसे बी की तरफ, एक फोर्स उसे ए की तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है, तो बी वाला फोर्स क्या है ग्रेटर, तो वो टुवर्ड्स बी उसे ज्यादा फोर्स लगेगा, तो हमने ये वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर ली। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन करते हैं, अगले क्वेश्चन में हमें बोला गया हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी, क्या करनी है मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, इन विच साइक्लोन ड्रीज शुड बी प्लेस टू एक्सेलरेट प्रोटॉन्स, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है जिसमें साइक्लोन डीज क्या कर सके अपने प्रोटॉन्स को एक्सेलरेट कर सके। फ्रिक्वेंसी हमें दी गई है 8 megacycles पर सेकेंड, और मास ऑफ प्रोटॉन गिवन है 1.67 into 10 to the power -27 kgs। अब बहुत कंफ्यूज हो गए होंगे सब बच्चे, क्योंकि कुछ भी गिवन नहीं है, आर नहीं गिवन है, कुछ भी गिवन नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालें, कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसके केस में हम कैसे निकाल सकते हैं, तो रेडियस ऑफ सर्कुलर कॉइल वही हो जाएगा रेडियस ऑफ दैट साइक्लोन डीज, वो कितना हो जाएगा दैट इज mv/qb होता है। हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा mv/qr, mv/qr। मास हमें पता है, क्यू हमें पता है, मास हमें गिवन है, क्यू हम प्रोटॉन का हमें पता होता है। बात आती है वी और आर की, वी और आर कैसे निकालें, तो इस फ्रिक्वेंसी का भी तो कुछ यूज हो रहा होगा। अब फ्रिक्वेंसी मेगा साइकिल्स पर सेकेंड है, तो मेगा साइकिल्स पर सेकेंड हम पहले यूज किया करते थे, मेगा साइकिल्स पर सेकेंड को आजकल लिखते हैं मेगा हर्ट्ज, That is 1 into 10 to the power 6 hertz। ठीक है, ये हो गया हमारा, तो ये क्या है मेरी फ्रिक्वेंसी है, तो फ्रिक्वेंसी क्या होता है मेरा 1/टाइम पीरियड, फ्रिक्वेंसी क्या होता है मेरा 1/टाइम पीरियड, दैट इज
जो मेरा टाइम पीरियड आ जाएगा वो आ जाएगा मेरा 1/10^6 सेकेंड, 1/10^6 सेकेंड क्या आ जाएगा, 6 सेकेंड, ये आ गया मेरा टाइम पीरियड। लेकिन हमें टाइम पीरियड का क्या यूज है यहाँ पे, टाइम पीरियड होता है हमारा कितना, सर्कमफेरेंस अपॉन वेलोसिटी, सर्कमफेरेंस क्या आ जाएगा मेरा 2πr/b, 2πr/b। तो इस वाले फॉर्मूले से हमें v और r का क्या मिल जाएगा, वैल्यू मिल जाएगी। तो v और r की वैल्यू क्या मिलेगी, v इधर चल गया r इधर चल गया, दैट इज 2π×10^6 हमें v और r की वैल्यू मिलगी, v अपॉन r। यहाँ पुट कर लेते हैं तो m है हमारा 1.67×10^-27 अपॉन q कितना हो जाता है 1.6×10^-19 और v अपॉन r हमें मिल गया दैट इज 2π×10^6। ठीक है, ये क्या आ गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड आ गया। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा कितना हमें रिक्वायर है उस साइक्लोन डी को ताकि वो एक्सेलरेट कर सके प्रोटॉन्स को। तो इसकी वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करने के बाद हमारी आएगी 0.524 टेस्ला, कितनी आएगी हमारी 0.524 टेस्ला। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी ऐसी है कि अ साइक्लोट्रॉन एक्सेलरेट प्रोटॉन्स हैज डीज ऑफ, हमें बोला गया है कि एक साइक्लोट्रॉन है जो प्रोटॉन्स को एक्सेलरेट करता है और उसका डीज का रेडियस हमें गिवन है दैट इज 0.4 मीटर और रेडियो की फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है दैट इज 12 मेगा साइकिल्स पर सेकेंड, दैट इज 12×10^6 हर्ट्ज। ये क्या है हमारी फ्रीक्वेंसी है, बोला गया है एट 5000 मैक्सिमम वैल्यू वोल्ट, एट 5000 वोल्ट मैक्सिमम वैल्यू। तो बोला गया है मैग्नेटिक फील्ड भी निकालना है, एनर्जी भी निकालना है और वेलोसिटी भी निकालना है। तो क्या कैसे निकालेंगे, प्रोटॉन्स की बात की गई है तो निकाल लेते हैं। मैंने क्या बोला था, आर इज इक्वल्स टू एम वी अपॉन क्यू बी होता है, आर इज इक्वल्स टू एम वी अपॉन क्यू बी होता है। तो यहाँ से बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज एम वी अपॉन क्यू आर, एम वी अपॉन क्यू आर। ठीक है, ये आ गई। अब जो ये है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1/टाइम पीरियड। तो मेरा जो टाइम पीरियड हो जाएगा वो आता है मेरा 2πr/b इज इक्वल्स टू, 2πr/b इज इक्वल्स टू 1/12×10^6, कितना आ जाएगा 1/12×10^6, ये क्या आ जाएगा मेरा टाइम पीरियड आ जाएगा। ठीक है, ये कर लिया मैंने। तो यहाँ से जो v और r का रेशियो आएगा वो कितना आ जाएगा मेरा, दैट इज 2π×12×10^6, 2π×12×10^6। तो m कितना आ गया, दैट इज 1.67×10^-27, v अपॉन r की जगह रख देंगे 2π×12×10^6 अपॉन 1.6×10^-19। ठीक है, ये करेंगे। अब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर यहाँ पे आएगा 0.786 टेस्ला। इसको सॉल्व करके देखिएगा, इसका आंसर आएगा 0.786 टेस्ला। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा एनर्जी निकालनी है और वी निकालना है। तो पहले वी निकाल देते हैं, दैट इज वी अपॉन आर हमारा ये आया, वी अपॉन आर क्या आया हमारा ये आया। तो यहाँ से जो वी होगा वो कितना आ जाएगा, दैट इज 2π×12×10^6 इंटू आर क्या मेरा, दैट इज 0.4, आर क्या मेरा 0.4। तो यहाँ से जो मेरा वी आएगा वो आएगा 3×10^7 मीटर पर सेकेंड, 3×10^7 मीटर पर सेकेंड हमारा क्या आ गया, वी आ गया। एनर्जी है दैट इज काइनेटिक एनर्जी, वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो काइनेटिक एनर्जी हम कैलकुलेट करते हैं दैट इज 1/2 mv². तो मास की वैल्यू हमें गिवन है, वी की वैल्यू हमें गिवन है, हम यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे तो वो भी हमारा कुछ आंसर देगा। लेकिन अब आंसर जो आपकी बुक में होगा वो बहुत अलग आंसर होगा, लेकिन आंसर कुछ अलग नहीं है। अगर आप वहाँ पे भी छोड़ दें, वो आंसर हमें जो ये गिवन मिलेगा वो जूल में मिलेगा। तो हम अगर इसको 1.6×10^-19 से डिवाइड कर दे तब वो हमें क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिल जाएगा। किससे मिल जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिल जाएगा। मूविंग फॉरवर्ड टू आर नेक्स्ट क्वेश्चन, अ करेंट कैरिंग कंडक्टर हैज 8×10^22 फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट लेंथ
कि हर यूनिट लेंथ में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने, 8 × 10²² इलेक्ट्रॉन्स हैं, बोला गया है पर यूनिट लेंथ के हिसाब से। तो बोला गया वीडी इनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है हमारी 8 × 10²⁵ मीटर पर सेकेंड, और बी दे रखा है मैग्नेटिक फील्ड दैट इज 0.10 टेस्ला परपेंडिकुलर टू द कंडक्टर दैट इज साइन 90 डिग्री परपेंडिकुलर दैट इज थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो पहला पोर्शन है इसमें कि करंट इन द कंडक्टर फाइंड आउट करना है कि कितना करंट कंडक्टर से फ्लो होगा, दैट इज आई कैसे फाइंड आउट करते हैं इन टर्म्स ऑफ वी डी, तो वो हो जाता है हमारा एन ई ए वी डी, कितना हो जाता है एन ई ए वी डी। अब जो एन है ये पर यूनिट लेंथ हमें गिवन है, लेकिन हम एन क्या निकालते हैं, पर यूनिट वॉल्यूम निकालते हैं, एक मीटर क्यूब में कितना, दैट इज एक यूनिट क्यूब में हमारा कितना होगा। तो एक लेंथ में, एक पर यूनिट लेंथ में जब मेरा 8 × 10²² इलेक्ट्रॉन्स है, पर यूनिट लेंथ में कितना है 8 × 10²² इलेक्ट्रॉन्स है, तो पर यूनिट वॉल्यूम में क्या होगा, तो दैट इज एरिया क्या ले लूंगी मैं यहाँ पे 1 m² ले लूंगी, तभी क्या होगा मेरा वॉल्यूम 1 m³ आएगा। मेरा वॉल्यूम क्या होता है, दैट इज लेंथ इंटू एरिया होता है। अगर ये मेरा कंडक्टर है तो लेंथ इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा, मेरा वॉल्यूम होगा। तो मेरा 1 m³ में कितने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो होता है मेरा एन की वैल्यू। तो लेंथ हमें गिवन है 1 m में इतने इलेक्ट्रॉन्स है, तो ए भी मुझे यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, 1 m लेना पड़ेगा। तो कितने हो जाएंगे मेरे, तो मतलब पूरे एक वॉल्यूम में मेरे पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, दैट इज 8 × 10²² 8 × 10²² क्या है मेरे पे इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो हमने एन और ए क्या है 1 m² 1 ले लिया, ई क्या है 1.6 × 10²⁻¹⁹ और वी डी क्या है मेरा 8 × 10²⁵। तो इसको सॉल्व करके हमारा क्या आ जाएगा, करंट की वैल्यू आ जाएगी दैट इज 1.0 एम्पियर, कितनी आ गई 1.02 एम्पियर। ठीक है, ये तो था करंट। सेकंड पोर्शन है फोर्स कितना लग रहा है इलेक्ट्रॉन में, तो फोर्स कितना लगेगा इलेक्ट्रॉन में दैट इज वो फाइंड आउट करेंगे हम क्यू वी बी साइन थीटा से। क्यों फाइंड आउट करेंगे, एक पर्टिकुलर चार्ज में कितना फोर्स लग रहा है जब वो मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आ रहा है, दैट इज क्यू वी बी की वैल्यूज पुट अप करेंगे, क्यू 1.6 × 10²⁻¹⁹, वी पुट अप करेंगे दैट इज 8 × 10²⁵, वी पुट अप करेंगे तो इसका आंसर आ जाए 1.28 × 10²² न्यूटन। ठीक है, ये है हमारा फोर्स। थर्ड बोला गया है फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन कंडक्टर। अब इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, अब कंडक्टर की बात आ रही है, कंडक्टर में पर यूनिट लेंथ कितना फोर्स लग रहा है, कितना लग रहा होगा एफ अपॉन एल इज इक्वल टू आई बी। आई कितना है मेरा, दैट इज हमने निकाला 1.02 और बी कितना है 0.10, दैट इज 1.02 × 0.10 दैट इज पॉइंट रिमूव, तो नीचे कितना आ जाएगा 100, 1 0 से 1 0 कितना हो गया मेरा कैंसिल आउट हो गया, तो ये कितना आ गया मेरा 0.102 न्यूटन पर मीटर, इतना फोर्स है, फोर्स पर यूनिट लेंथ जो उस कंडक्टर में लग रहा होगा। आई होप ये समझ आया होगा आपके। तो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, अ 50 cm लॉन्ग वायर मास 10 ग्राम, एक 50 cm लॉन्ग वायर है जिसका मास हमें बोला गया 10 ग्राम है, क्या है मास 10 ग्राम है बोला गया, इज हैंग बाय टू फ्लेक्सिबल वायर्स, दो फ्लेक्सिबल वायर से ये हैंग की गई है इन अ मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी दी गई है, जिस मैग्नेटिक फील्ड में हैंग की गई है वो है 0.40 टेस्ला। ठीक है, फाइंड करंट बोला गया है, करंट फाइंड आउट करना है, उसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है, और करंट कितना होगा टू न्यूट्रलाइज द टेंशन इन द वायर, ताकि जो इस वायर पे टेंशन लग रही है वो न्यूट्रलाइज हो जाए। अब टेंशन कहाँ लग रही होगी ये मुझे बताइए, ये हमारी एक स्ट्रेट वायर है 50 cm, तो इस पर टेंशन कहाँ लग रही होगी, तो टेंशन लग रही होगी अपवर्ड डायरेक्शन में, ये खींच रहे हैं उसको, खिंचाव हो रहा होगा, तो खिंचाव किस साइड हो रहा होगा, हमारी अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा। तो जब अपवर्ड डायरेक्शन में हमारा खिंचाव लग रहा हो तो मैग्नेटिक फोर्स कहाँ लग रहा होगा,
तो वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा, जो क्या कर रहा होगा उसको बैलेंस कर रहा होगा. तो टेंशन क्या हो गया, दैट इज एम जी. टेंशन कितना हो गया, एम जी. और जो मैग्नेटिक फोर्स नीचे लग रहा, एक स्ट्रेट वायर के कारण हमने पढ़ा था, अगर मैग्नेटिक फोर्स के मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आ जाए वायर जिसकी लेंथ एल है, तो उसमें मैग्नेटिक फोर्स लगता है हमारा आई बी एल साइन थीटा. यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन 90 डिग्री. बी और एल के बीच में क्या है, 90 डिग्री का एंगल है. बी क्या है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है. ठीक है, अब यहाँ से हम फाइंड आउट करेंगे आई. तो आई क्या आ जाएगा हमारा, वो आ जाएगा हमारा एम जी अपॉन बी एल. एम जी अपॉन बी एल. एम कितना है, 10 ग्राम. तो 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3. इसको आप 10 ग्राम ही नहीं छोड़ेंगे, इसको हम किलोग्राम दैट इज एसआई यूनिट में कन्वर्ट करेंगे. जी कितना है हमारा, तो हम 10 ले लेते हैं, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. बी है हमारा 0.40 टेस्ला और लेंथ है हमारी 50 सेंटीमीटर, दैट इज 50 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2. इसको क्या करेंगे, हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे. ये पॉइंट हटा तो ऊपर कितना आ जाएगा हमारा, 100. तो जाएगा 50 2 जा 100, 10 से 10 कैंसिल आउट. ये 10 टू द पावर माइनस 2 और 10 टू द पावर माइनस 1, 10 टू द पावर माइनस 3 को हमने ऐसे ब्रेक डाउन कर दिया. 10 टू द पावर माइनस 2 से 10 टू द पावर माइनस 2 कैंसिल आउट और 10 टू द पावर माइनस 1 से 10 टू द पावर 1 कैंसिल आउट. ये कितना हो गया, 2/4, दैट इज 1/2, दैट इज 0.5 एम्पियर. कितना करंट होगा, दैट इज 0.5 एम्पियर ऑफ करंट. ठीक है, हमने करंट क्या कर दिया, फाइंड आउट कर दिया. यही था हमारा जो लास्ट क्वेश्चन था, हमने वो भी निकाल दिया. यहाँ पे ये चैप्टर क्या हो चुका है हमारा, कंप्लीट हो चुका है.